चलो, तो कल हम आगे थे 1919 के अधिनियम पे, है ना, और वो हमने कंप्लीट करा भी दिया था। यूनिट कौन सी है? सेकंड। छह लेक्चर हो भी चुके इसके, छह या सात ऐसे ही कुछ। तो आज हम 1919 से प्रयास करेंगे 1947 तक पूछ जा। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था, और इसमें क्या कराया था भाई? इसमें बताया था कि एक तो इसका नाम रखा था हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसका एक अन्य नाम है, जैसे कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम का एक अलग नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसका अन्य नाम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या काम कराया था कौन बताओगा? बताओगे बोलो, कल जो मैंने कराया था 1919 में, कोई कल? अंजलि और तो कोई? हाँ भाई अवाना, और तो कोई आया नहीं। चलो मैं ही बतला रहा, याद कर लो कि भाई मैंने बताया था प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, और द्वैत शासन में मैंने बताया था एक तो आरक्षित, आरक्षित विषय यही बताया था क्या, और एक बताया था हस्तांतरित। विषय यानी कि रिजर्वल सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये तो रिजर्व कौन रखेगा, अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नर के, है ना, और ये जिसकी जवाबदेही था जनता के प्रति होगी, यानी कि सरकार जो चुन के गई होगी एक तरीके से, गवर्नमेंट, ठीक है। यहां तक बताया था मैंने, एक चीज बताया था मैंने, चेयर उठा लियो भाई, ये है खाली है। तो एक चीज मैंने बताया था इसमें ही कि द्विसदनीय व्यवस्था कहां पर आई थी, द्विसदनीय व्यवस्था कहां पर आई थी, केंद्र में आई थी, केंद्र में। फिर मैंने एक चीज बतलाई थी कि आईसीएस का एक आयोग बनाया गया, और पहली बार भारत में लंदन की तर्ज पर परीक्षा का आयोजन, मतलब जो लंदन में आयोजित कराई जाएगी थी आईसीएस की परीक्षा, वो अब पहली दफा 1919 के भारत सरकार अधिनियम में आयोजित कराई गई। यही बताया था क्या भाई, या कुछ अलग बता रहा मैं आज? ठीक है, फिर भाई पढ़ लिया करो, पढ़ने तो ही तो कुछ फायदा मिलेगा। अब पढ़ के आने के लिए अब मुझे बिना बात रिपीट करनी पड़ रही, फिर लेक्चर हो लंबा खींच जा, और कहीं देखोगे ना अब, ये जो भारत संवैधानिक विकास के चरण है ना, हंगे लगा के दो लेक्चर में है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में भी दो लेक्चर में फिनिश करना है, डेढ़ घंटे का लेक्चर है, 12-45 मिनट का लेक्चर हो जा, उसमें 7वां 8वां लेक्चर है। तो फिर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? फिर मैंने कुछ नहीं बताया, अब बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अधूरा रह गया था समय का अभाव के कारण, समय नहीं मिल पाया था ना। तो अब इसमें जोड़ो कि आज के टाइम में जो काउंसलर है ना, काउंसलर बोले तो जो आज के टाइम में हमारे राजनयिक हैं अलग अलग देशों में, राजनयिक बोले तो काउंसलर, राजदूत, असेंबली हो जाना, एम्बेसडर, दूतावास, राजदूत। भारत की एम्बेसी कहां पे? यूएसए में भी है, ब्रिटेन में भी है, कनाडा में भी है, सारी जगह है, मोस्टली राजदूत एक तरीके से,
तो ये जो राजनयिक मैं शब्द बता रहा, ये राजनयिक की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली दफा हुई थी, ठीक है। या काउंसलर, के पद का निर्माण किया, पद का सर्जन किया, सर्जन मतलब निर्माण, बताएंगे बाद में, अभी केवल पद का निर्माण करा लो। ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं उस देश में, क्योंकि अलग अलग देश में भारत की कम्युनिटी, भारत के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनके हितों को और भारत के संबंधों को उस देश के संबंधों के साथ स्थापित करने में मदद करते हैं। साथ ही व्यापार, भाई हमें अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो वहां पे एक भारत का एक घर होना चाहिए ना, जो भारत को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप लोग अपने गांव से आए हो, प्रत्येक बंदा अपने अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लास के अंदर। अब मैं पूछ लूं कि भाई आपके गांव में क्या फेमस चीज है, सभी कहोगे लगभग गन्ना, गेहूं, है ना। तो ऐसे ही हमारे देश का जो व्यक्ति होगा, हमारे देश का जो घर स्पेशल हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा, उसे कहेंगे एम्बेसी, वो जो फॉरेन में होगी, ठीक है, इंडियन एम्बेसी, ठीक है। तो वहां पे नियुक्त किया गया, और ये नियुक्त किया गया इस टाइम, अभी भारत सचिव पे एक पद बनाया था हमने 1858 के भारत सरकार अधिनियम में, उसकी एक काउंसिल बनाई थी 15 मेंबर की बनाई थी। तो उसके कार्यभार को बांटने के लिए, उसके कार्यभार को बांटने के लिए इस पद का निर्माण किया गया, यानी कि कार्यों का बंटवारा करने, और कार्यों का बंटवारा करने से क्या होगा, क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, सुलभता आएगी, कनेक्टिविटी अच्छे से हो पाएगी। भाई एक एक इंसान के पास ढेर सारे विषय दे दिए कि भाई तुम ही देखना, ये सारा का सारा, यो गांव भी देखना, यो गांव भी देखना, पांच छह गांव एक आदमी को दे दिए, और भाई पांच छह गांव दो आदमी को दे दिए तो अच्छे से कौन कर पाएगा, दो आदमी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अकेले का तो बर्डन आ जाएगा, जगह पानी पी का, ठीक है, क्लियर। यानी एम्बेसी का हो गया राजनयिक, क्लियर। अब हुआ क्या, एक हो गया। अब ये जो 1919 का भारत शासन सरकार अधिनियम आया था, 10 साल जोड़ दो कितना बैठेगा, 1929 बैठ जाएगा। तो इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आयोग आएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक जांच हेतु, एक आयोग आएगा। आयोग का गठन, अब भैया आयोग तो आया था पर वो 10 साल पहले नहीं आया, 10 साल में नहीं आया, वो 10 साल तक 2 साल पहला आ गया, 1927 में आ गया, साइमन कमीशन आया। एक तो विरोध होने का कारण ही होता है कि भाई 10 साल पूरे करके आता, कि संवैधानिक जांच हेतु एक आयोग का गठन होगा 10 वर्ष पश्चात। अब संवैधानिक जांच किसकी करेगा, यू भारत सरकार अधिनियम 1919 की करेगा, ये चो की एक नंबर की घटिया है, ठीक है, क्लियर, पल्ले पड़ रही की बात, पेन नहीं है तो लिखता कहीं नहीं, किस पे नहीं है पेन, पेन यानी कलम स्टूडेंट और टीचर की पहचान है, और एक बनियों की भी है भाई, है ना, तो स्टूडेंट और ऑफिसर की है, ऑफिसर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसके साइन की है। बनियों की कैसी है, बनियों का काम क्या है, हिसाब किताब तो है,
क्लियर। तो 1919 का मैंने बता दिया, संवैधानिक जांच करेगा 1919 की। इसके लिए 10 साल पश्चात एक आयोग आएगा, उसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा साइमन कमीशन। चौक इतनी सोनी देखो टूट गई। कब आया था ये साइमन कमीशन? 1927 में, और बात कर रहा हूं 10 वर्ष पश्चात। तो विरोध होने का कारण एक यो भी था कि भाई ये 2 साल पहला आ गया, यानी एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल गई, अपनी मनमानी कर रहे थे, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधि और राष्ट्रीय आंदोलन ज्यादा उफान पा रहे थे, और राष्ट्रवादी जो गतिविधि थी वो ज्यादा हो रही थी, स्वायत्तता की मांग करने की तरफ अग्रसर हो रहे थे। एक स्वराज पार्टी का गठन कर दिया था, स्वराज पार्टी का 1923 में मोतीलाल नेहरू, सी आर दास द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा, स्वराज पार्टी है ना। तो कोई बात नहीं, ये सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, फिर आप भगत सिंह जी का भी टाइम यही था, और काकोरी कांड भी हुआ था 1925 9 अगस्त। तो ये सारी गतिविधि क्या था कि भाई अब भारतीय पर दबाव बनाना था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, भारतीयों को समझाने के लिए कि भाई आपके हक के लिए ही हम एक आयोग का गठन कर रहे हैं जिसका नाम है साइमन कमीशन, जिससे कि वो जो हमने आपके अच्छे से उत्तरदायी शासन देने हेतु एक 1919 में एक अधिनियम लेके आए थे उसकी जांच करेंगे। भैया हमारे ऊपर शासन कर रहे और हम ही तो बताओगे कैसा शासन हुआ है कैसा नहीं हुआ, परंतु आप उसके अंदर सारे अंग्रेज बंदे लेके आ रहे, एक तो 2 साल पहले लेके आ रहे और दूसरा सारे के सारे अंग्रेज हैं, 7 बंदे थे इसके अंदर, सारे के सारे 7 थे। तो इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। क्या? श्वेत कमीशन, श्वेत आयोग, जिस कारण इसका विरोध हुआ कि एक भी भारतीय नहीं है, भारतीय प्रशासन कर रहे और भारतीय कहीं ना पूछ रहे, तुम विरोध होने का कारण पता लग गया। देखो चौक, ये है चौक, ठीक है। अब बात करेंगे, ये हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अगर हमें अपना देश, अपना शासन चलाना है तो एक संविधान बना के दिखाओ, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि ये जो देश है ना भारत जिस पर हम शासन कर रहे, ये यकीन दिला रहे थे कि आप बहुत विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बटे हुए हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, तो आप एक स्वतंत्र देश नहीं बन सकते। अगर बन सकते हो, है हिम्मत, तो स्वीकार करो, एक संविधान बना के दिखाओ। तो 1928 में आया नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928। इन्होंने प्रयास करा अच्छे से, परंतु इन मोतीलाल नेहरू जी थे ये, इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, तो इन्होंने रिपोर्ट पेश करने का प्रयास करा और रिपोर्ट पेश करी भी, परंतु सबसे पहले खंडन किसने करा, इनके पुत्र ने ही करा, सुपुत्र ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो खंडन हो गया, और फिर जब पुत्र ने ही खंडन कर दिया तो फिर मुस्लिम लीग के लीडर थे एक मोहम्मद अली जिन्ना जी, फिर 1928 में ही एक जिन्ना रिपोर्ट आई, जिन्ना रिपोर्ट। फिर लिखो इसके पश्चात जिन्ना रिपोर्ट या जिन्ना फॉर्मूला, ट्वेंटी एट ऐसे ही कुछ है, परंतु इसके पश्चात आया था नेहरू रिपोर्ट के बाद, ठीक है। आपको एक क्रम सा लगाने हैं। अब हम यहां से संविधान सभा की और संविधान की बात करने जा रहे हैं, अभी तक तो हमने देख लिया। मैं एक बार 1947 तक ले जाने के पश्चात, 1935 तक ले जाने के पश्चात फिर घूम के आऊंगा इस पे, साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर उसके पश्चात एम एन रॉय 1934, फिर उसके पश्चात 1935 1936, फिर 1938, फिर 1940 अगस्त प्रस्ताव, तो ये घूम फिर का आ गया, ठीक है, हो गया, क्लियर।
यहां से कोई किसी को डाउट? ठीक है, अब भाई एक फोटो ले लियो, कौन है आगे से आगे इसका एक फोटो ले लियो। बस फोन का यूज केवल और केवल, पहले तो बात ही क्लास में अलाउ नहीं है, आज नोटिस भी निकला है, ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का विशेष। हाँ आगे आके एक बार फोटो ले लो, ठीक है, चलो बैठो बैठो बैठो, साइलेंट रखियो फोन सारे। तो बस बस हो गया भाई, हो गया उसमें। अब 1935 आएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, अभी तो 1919 देख लिया हमने, अब देखो 1919 में हमने प्रांतों के अंदर यानी राज्यों के अंदर द्वि शासन लगाया था, है ना, और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी निम्न हाउस और अपर हाउस की बात करी। अब भारत सरकार अधिनियम, कौन सा है, 1935, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्रांतों में से द्वि शासन गायब, केंद्र में द्वि शासन आया। आरंभ, प्रांतों में से द्वि शासन समाप्त। भाई 1919 में तो केंद्र प्रांतों में लगा दिया, 1935 में प्रांतों में तो हटा के कहां लगा दिया, केंद्र में लगा दिया। अब ये द्वि शासन तो समझ में आया होगा कि भाई दो ढाल का शासन, रिजर्व आरक्षित और हस्तांतरित, ट्रांसफर और रिजर्व, ठीक है। अब भैया एक संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय, देखो अभी आपने जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मैंने टेस्ट सीरीज कराई, उसमें आज सुबह मॉर्निंग में आया भी होगा, किसी ने देखी होगी, उसमें ये संघीय न्यायालय के बारे में बताया भी गया, रामसर साइट के बारे में भी बताया गया। आपका एक सब्जेक्ट अलग से है पॉपुलेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, तो आपदा प्रबंधन एवं जनसंख्या, उसमें लिखित रूप में आएगा, जो टेस्ट सीरीज में भी इम्पोर्टेंट है, वो सारे टॉपिक वो करा रखे हैं और यहाँ पे भी। अब मैंने बताया कि अगर बात आ जाए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, भविष्य में कभी भी कोई भी एग्जाम दोगे और मेंस लिख रहे होंगे, तो आप पृष्ठभूमि को बताते हुए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था पहली बार, एक इंपीरियल कोर्ट यानी संघीय कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कलकत्ता में करा गया और 1774 में स्थापित भी कर दिया, परंतु वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, उसकी जो वहां पर सुनवाई होगी, एक तरीके से सुनवाई होने के बाद अंतिम रूप से वहां पर अपील नहीं कर सके थे, अंतिम रूप से हम अपील करेंगे उसके खिलाफ भी लंदन में जाके, हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी इंपीरियल कोर्ट से बड़ा भी एक कोर्ट है लंदन के अंदर। परंतु 1935 में पहली दफा, अभी नहीं प्रॉपर, एक संघीय कोर्ट बना दिया, अभी भी अपील हम लंदन में ही करेंगे। जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में और हमारा एक देश आजाद हो गया और संविधान लागू हो गया और एक कोर्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट, अब अंतिम रूप से अपील हम अपने सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। अंतर समझ में आया क्या कहा मैंने, कि भाई अभी तक हम उपनिवेश थे, औपनिवेशिक काल में जी रहे थे, तो जो शासन कर रहे थे सुप्रीम वे थे, भारत में एक कठपुतली रखी थी, अगर अपील करनी होगी तो लंदन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संघीय न्यायालय आ गया, इसके पश्चात एक आरबीआई, नाम सुना है
क्या फुल फॉर्म है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना करी गई और द्विसदनीय व्यवस्था जो थी पहले केंद्र में थी 1919 में, अब प्रांतों में भी आ गई। बताओ वर्तमान समय में हमारे राज्य में यूपी के अंदर दो सदनों वाली व्यवस्था है नहीं है, विधानसभा और विधान है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद हैं, ये आप बताएंगे कल को या कमेंट बॉक्स में बताइयो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइयो और वे नाम भी बताइयो कि कौन कौन से राज्य में। ठीक है, यहां तक कि ये भी बताइयो कि उन राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं हैं उनमें विधानसभा में कितनी सीटें हैं, जैसे कि यूपी में 400 है, ठीक है, तो ऐसे बिहार में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, तेलंगाना में कितनी है, आंध्रा में कितनी है और कर्नाटक में कितनी है। ठीक है, अब भैया ये तो हो गया, अब बात करेंगे हम। देखो 1858 में एक सचिव की परिषद बनाई थी, भारतीय सचिव की 15 सदस्यों की बनाई थी ना, तो उस सचिव को हम उस वो सचिव नहीं उस सचिव की जो परिषद थी, सचिव परिषद, सचिव की अध्यक्षता वाली परिषद कितने सदस्यों की थी परिषद, कितने की थी? 15। समाप्त किया किसको? परिषद को, केवल परिषद को करा है, सचिव पद को नहीं करा, परिषद को समाप्त करा है। सचिव को कराएंगे हम 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में, ठीक है, क्योंकि अभी हमने 1919 में एक नए पद का सृजन कराया था, काउंसलर, राजनयिक, कमिश्नर, हाँ या ना, क्लियर है? एक और टॉपिक है इसमें, पॉइंट है इसमें कि भारत को म्यांमार से भी अलग करने का प्रावधान इसी में आया था। इतना हो गया, बड़ा के हाथ हाथ 1947 भी देख लो, ले लो आगे आगे आराम से, फिर रब करके 1947 पे बढ़ेंगे और फिर मेरा केवल और केवल संविधान सभा का निर्माण, और संविधान सभा से हम बढ़ेंगे फिर अचानक ही संविधान सभा का निर्माण तो संविधान पर, संविधान के अंदर जो उद्देशिकाएं होंगी उन पर मलाई की धार आराम से बहुत ही तसल्ली से कराऊंगा। सब आवागा, टेंशन ना लो, आज बेल्ट भी टूट गई हमारी तो। अधिनियम कब आया था? 1947। इसके माध्यम से क्या हुआ, दो स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया गया, कौन कौन से, किताब बंद करो, दो स्वतंत्र राज्य का निर्माण, इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान की फुल फॉर्म पता किसी को? फुल फॉर्म। चलो कोई नहीं, सर्च मारियो आज, नहीं पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है ना, तो सर्च मारियो एक बार,
हाँ भाई, पंजाब जा लिया, कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अब सुनो भाई, दो स्वतंत्र राज्य का निर्माण करा दिया, साथ ही स्वतंत्रता के साथ साथ जो सारे वॉइसराय पद था, वॉइसराय समाप्त हुआ नहीं हुआ, हो गया, हाँ है ना, सचिव पद समाप्त हुआ, तो एक नए पद का निर्माण किया गया स्वतंत्र भारत के अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो भारत के लिए हो गया, वो पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अब सवाल बनता है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम रूप से भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, भारतीय राजा जी, नाम सुना है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, सुना, बताइए फिर कमेंट बॉक्स में, राजा जी नाम से प्रसिद्ध थे वो, सी आर राजगोपाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अंतिम कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारतीय, भारतीय स्वतंत्र भारत के, यही थे ना, सी आर राजगोपालाचारी, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन बने हैं ये, पहला अंतिम स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, और अंतिम राजा जी या फिर सी आर चक्रवर्ती या गोपालाचारी जी, राजगोपालाचारी जी, ठीक है, क्लियर। अब भैया मैंने यहां तक को तो करा दिया, सचिव समाप्त कर दी 1935 में, फिर सचिव भी समाप्त कर दिया, सचिव की परिषद समाप्त कर दी थी। अब हेडिंग डाल लियो, संविधान सभा का निर्माण, भारत तो स्वतंत्र हो गया, अब इसमें सवाल, भाई किताब बंद कर लो, किताब कर लो बंद, मैं भी किताब खोल रखी है कहीं, तो फिर किताब बंद करो, किताब में तो लिखा हुआ है सारा, बस समझो, फिर उन्हें लिंक करने का प्रयास करो, बस ठीक है। तो भैया अब हम बात कर रहे हैं, देखो संविधान को लेके, भाई मोबाइल बंद कर लो, नहीं तो इन्होंने कहा लीगल एक्टिविटी होगी फिर दिक्कत हमें होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं मोबाइल को लेके, मैं पहले ही कह रहा, ठीक है। तो पहले मैंने बताया कि भाई सबसे पहले संविधान सभा की, अपने भारत के लिए एक संविधान का निर्माण हो जिससे कि भारतीय हित को ध्यान में रखकर भारतीय लोगों द्वारा ही उसका निर्माण करा जाए, है ना। तो गांधी जी ने भी ऐसी अवधारणा व्यक्त की गई थी 1922-23 के दौरान, फिर इन्होंने साइमन कमीशन आया था तो उसने कहा था कि बना के दिखाओ, तो नेहरू रिपोर्ट आई, फिर जिन्ना फॉर्मूला आया। तो हम स्टार्ट करेंगे 1934 से, कि पहली दफा जो प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा की मांग की, पहली दफा कब की गई? सर्वप्रथम 1934 किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय द्वारा पहली दफा संविधान सभा की मांग की गई, रखी गई थी।
क्या बात है, तो लिखता क्यों नहीं, दिखाई लिखा लिख रखा आगे, कहाँ लिख रखा, ज्यादा ज्यादा पढ़ता पढ़ ज्यादा वैदिक है तो लिख ले भाई, हाथों को दुख दे ले, फिर पेपर में भी देना पड़ेगा, नहीं रोवेगा फिर हाथों में, ठीक है। फिर उसके पश्चात 1935 या 36 है, तो इस बार क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम सुना है, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1885 में हुई थी। तो पहली दफा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की इसकी एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी, डिमांड की किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है क्या, इस पर अपने विचार व्यक्त करो, दो नंबर में या चार नंबर में सवाल बन जाएगा, थारा बना हुआ है बकायदा। तो जब भी ऐसी बात आवे, संविधान सभा है क्या, संविधान सभा वो है जो संविधान का निर्माण करेगी, और संविधान का निर्माण करेगी अपने देश के लोगों के द्वारा, अपने देश के लोगों के लिए, जिससे कि अपने देश को और अपने देश को नागरिकों को एक सुचारू रूप से चलाया जा सके, और अपने राष्ट्र का निर्माण करते हुए अपने नागरिकों का निर्माण किया जा सके, सर्वांगीण निर्माण विकास। तो इसलिए तो संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी थी, और वो बनाएगा कौन, संविधान सभा, और संविधान सभा में बैठेगा कौन, भारतीय लोग। अब सारे के सारे भारतीय लोग तो बैठने के नहीं, तो उन्हें हम चुन के भेजेंगे वयस्क मताधिकार पे, मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोट देने के माध्यम से, इसे बोल देंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बोल देंगे कि जो पहली दफा संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था या बनाई गई थी वो किस आधार पर बनाई गई, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे, मतलब कि 18 प्लस, वयस्क हो जाना 18 प्लस, हमारे देश में अधिकार है वोट देने का, 18 प्लस सारे हो रहे होंगे तो वयस्क हो गए, तो सभी के द्वारा, सार्वभौमिक सभी के द्वारा, सभी की भागीदारी के माध्यम से, जो 18 प्लस हो चुका, वयस्क हो चुका, उसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। किसके पल्ले नहीं पड़ा भाई, आवाना लगाइए नखे दो हल्के हल्के से, के बाद भाई दोनों को ही कह रहा मैं, दिक्कत हो रही कुछ, पल्ले ना पड़ता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या हुए, खिड़की बंद करो या फटाफट, हाँ भाई राहुल, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आ जाओ, गलती बताओगे तो। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार इसे कहते हैं कि हम अपना वोट किसे और किस तरीके से दे, जैसे हमारा वोट कैंडिडेट ये अच्छा है तो हम इसे दे सकते हैं और उसे नहीं, इसे कहते हैं सर्व अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार। वयस्क, वयस्क मतलब जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे सार्वभौमिक सबको, सबकी भागीदारी, सार्वभौमिक वयस्क मतलब 18 साल प्लस होते ही, 18 साल के होते ही वो वयस्क हो जाएगा, तो वयस्क के आधार पे, यानी कि 18 वर्ष के आधार पे सभी को वोट देने का अधिकार, उस आधार पे हमारी किसका निर्माण किया गया, संविधान सभा, इसे क्या कहेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार, मताधिकार। संधि विच्छेद करके कर लो काम, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो भाई के लिए। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो संविधान सभा है ये कैसे बनाई गई। तो पहली दफा एमएन रॉय ने डिमांड रखी, जो कि एक कॉम्युनिस्ट यानी साम्य दल के नेता थे, साम्य दल। और दूसरी दफा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बात रखी थी, किसके मंच से, INC, कौन सा INC, ठीक है। अब फिर भैया 1938 में तीसरा पॉइंट, 1938 में इसने, किसने बोला, पंडित जी ने फिर कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से,
कि भाई साहब जो संविधान सभा का निर्माण करोगे वो एक, अभी मैंने क्या शब्द का यूज करा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि जो भारतीय होंगे ना भारतीयों के आधार पर भारतीय ही संविधान सभा का निर्माण करेंगे, क्योंकि संविधान किसके लिए बनाओगे, वे भारतीयों के लिए बनाओगे। पल्ले पड़ रही बात, किसी को कोई डाउट? कहां से करा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से करा था, 1938 में एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1939 में त्रिपुरा संकट हुआ था, ये हिस्ट्री का पार्ट है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब भैया अभी तक अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया संविधान सभा को लेकर, फिर 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है, 1940 में आया एक अगस्त प्रस्ताव, अगस्त के महीने में आया था, इसलिए से अगस्त प्रस्ताव कहा गया। तो अब आया क्यों है पता है? अभी तक अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं करा संविधान सभा की मांग को, लॉलीपॉप दे रहे थे, लारा लगा रहे थे, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, द्वितीय वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण प्रेशर आ गया ब्रिटेन पे, क्योंकि जर्मनी कोट कोट का मार रहा था ढूंढ ढूंढ के, जापान इधर से हमला कर रहा था, तो प्रेशर पड़ गया किस पे, अंग्रेजों पे, इटली पे, फ्रांस पे और यूके पे। अब इसने भारतीयों से सैनिक लेने थे, बाकी कल करेंगे। अभी बताओ कैसा लगा आज का ये लेक्चर, मजा आया नहीं आया?